forgot to use some confusing similar words. I have 20 confusing similar words which we use in our daily life. So that's we are going to discuss today, and you all have to understand it properly. Okay. So shall we start now? Yes, sir. Okay. Let's understand. First of all, our today's first word is cast. This cast meaning spelling is C-A-S-T. This cast meaning is किसी नाटक के कलाकार. Okay. Cast and crews you have listened about it. Cast and crews सुने हो तुम लोग, जैसे किसी नाटक के कलाकार को क्या बोलते हैं? Cast. ठीक है. और another cast is that is also pronounced with cast, but spelling is there is only one change C-A-S-T-E. This cast means जाति. What is your caste? जैसे बोलते हैं ना कि मैं सुनार जाति का हूँ, तो मैं अग्रवाल जाति का हूँ, तो मैं केसरी जाति का हूँ, मैं गुप्ता हूँ. तो that is related with caste. Okay, जाति. And second word is that is both are confusing. Story and story. Both pronunciation will same. First is story. Spelling is S T O R Y. This story means कहानी. Okay, tell me about your story of college stories and school stories. Tell me. And the second story is spelling is that S-T-O-R-E-Y. Okay, there is only one change. E is coming in the middle of R and Y. Okay, this story means manjil. Suppose I am telling I have three stories bungalow. Mere paas teen manjila bungalow hai. Aise kehna hoga to. To us stories ka spelling hoga S-T-O-R-E-Y. And this story ka matlab hoga kahani. And third word is suit. Jaise suit hum log jo शादी वादी में पहनते हैं ना, कोट सूट कोट पैंट. ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? सूट को एस यू आई डी. इसका स्पेलिंग होगा एस यू आई डी, दैट मीन्स कोट पैंट, यानी कि कपड़े. एंड सेकेंड सूट इज एस यू आई टी ई. दिस स्पेलिंग इज एस यू आई टी ई. एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस स्वीट इट विल बी स्वीट. ओके, दिस स्वीट मीन्स होटल का कमरा. स्वीट मीन्स होटल का कमरा. एंड थर्ड यू कैन understand this is sweet because this is already sweet. Sweet means mithai, we know. So next word is currant. What? Currant. This currant means kismis. जानते हो तुम लोग किसमिस जो खाते हो? Yes. ठीक है, उसको कहते हैं currant. And the second similar word is that is also confusing. This current, C U double R E N T. This current means नदी की धारा. ओके, एंड वर्तमान. करंट अफेयर सब लोग पढ़ते हैं ना, वर्तमान की धारा, वर्तमान की जो समसामयिक घटनाएं चल रही है उसको करंट अफेयर्स बोलते हैं. एंड बट दिस करंट स्पेलिंग इज सी यू डबल आर ए एन टी. इसका मतलब होता है किसमिस. और यहाँ पे एक ही जगह पे अगर किया जाए तो इसका मतलब होगा नदी की धारा या फिर वर्तमान की घटनाएं जो भी है. टेस्टी. इस टेस्टी का मतलब जानते हो, जो स्वाद वाला होता है. टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद, और टेस्टी का मतलब होता है स्वादिष्ट. ठीक है, और दिस टेस्टी जो अदर वर्ड है जो कंफ्यूजिंग है थोड़ा, इस एक ही जगह पे सिर्फ किया जाएगा टीई एस टी वाई. इस टेस्टी का मतलब होता है गुस्सा, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. ठीक है, उसको गुस्सा कहते हैं. जो सिक्स वर्ड है हमारा वो है लाइटनिंग. लाइटनिंग, लाइटनिंग, लाइट यानी कि रोशनी होता है, लाइटनिंग यानी कि भी रोशनी होती है. जैसे एल आई जी एस टी, इस लाइट का मतलब तो सबको पता होगा, लाइट यानी कि रोशनी. उसमें ई एन आई एन जी लगा दे तो भी उसका मतलब होगा रोशनी, बहुत ज्यादा रोशनी, लाइटनिंग. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे एल आई जी एस टी ई हट जाए, एन आई एन जी सिर्फ रहे, तो लाइटनिंग इस लाइटनिंग का मतलब होता है आकाश में जो बिजली चमकती है ना उसको कहते हैं. ठीक है, वो भी एक टाइप का लाइट है, लेकिन उस लाइटनिंग और नॉर्मल लाइटनिंग में डिफरेंस है. ओके, सो लेट्स वी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लाइटनिंग एंड लाइटनिंग, बोथ लाइटनिंग. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फॉन्ट. फॉन्ट का मतलब पढ़ चुके हम लोग ऑलरेडी, वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉन्ट. फॉन्ट मीन्स शॉकिंग. ओके, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ. और फाउंड, आई फाउंड फाइव रुपीज, मैं पांच रुपए पाया. एक फाउंड का मतलब होता है पाना, और एक फाउंड का मतलब होता है शौकीन. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज सीक. सीक मतलब ढूंढना, खोजना किस चीज को. ठीक है, आई एम सीकिंग माय लॉस्ट पेन. ओके, मतलब मैं अपने खोए हुए पेन को ढूंढ रहा हूँ. सीकिंग यानी कि ढूंढना, सीक यानी कि ढूंढना. और इस सीक का मतलब सबको पता है, बिकॉज यू ऑफन राइट sick leave application in your school. I am suffering from fever, so please give me some days sick leave. You know, this sick means bimar. Spelling is S-I-C-K and S-E-E-K means sick means khojna. Next, ninth word is sign. Sign means hastakshar.
ओके जो हम करते हैं तुम लोगों की कॉपी चेक करके साइन मीन्स हस्ताक्षर करना एंड एस आई एन एस एच आई एन ई दिस साइन मीन्स चमकना साइनिंग ठीक है बोलते हो ना कि साइन कर रहा है चमक रहा है तो साइन मतलब क्या होता है एक चमकना और एस आई जी एन यानी कि हस्ताक्षर करना आई यू अंडरस्टैंडिंग बोथ आर प्रोनाउंसिएटिंग सेम बट देर आर बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स ओके ओके नेक्स्ट टेंथ नंबर वर्ड इज सोल्जर सोल्जर वट इज दिस प्रोनाउंसिएशन विल बी सोल्डर वट सोल्डर एंड दिस प्रोनाउंसिएशन विल बी सोल्जर ज एंड ओके सोल्डर एंड सोल्जर ओके दिस सोल्डर मीन्स कंधा एंड दिस सोल्जर मीन्स सिपाही सैनिक ओके एंड इलेवेंथ वर्ड इज वीप वीप मीन्स रोना आंसू निकालने वाला जो रो जाते हैं तुम लोग उसको वीप बोलेंगे वीपिंग एंड डब्ल्यू आई पी इसका मतलब होता है पोछना वाइपर जो होता है वाइपर से पोछते हैं घर में ठीक है तो डब्ल्यू आई पी ई का मतलब होगा पोछना एंड ट्वेल्थ वर्ड इज देयर देयर मीन्स वहां इफ यू आर इंडिकेटिंग समथिंग विच इज केप्ट फार फ्रॉम अस जो हमसे कुछ दूरी पर रखी हुई है सो वी विल इंडिकेट इट इज केप्ट देयर वो वहां पर रखी हुई है तो देयर का मतलब वहां और एक और देयर जो है टी एच ई आई आर इस देयर का मतलब होता है उनका ओके दिस बुक इज देयर्स ये बुक उनका है ओके डिड यू अंडरस्टैंड यस सर हाँ नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वेदर वेदर यानी कि चाहे we have already studied about this using of weather okay suppose one example I am telling you I have taken the decision but I don't know whether I have taken right or not okay maine nirnay le liya hai lekin main nahi janta ki chahe sahi hai ya galat hai weather means chahe and this weather is mausam can you tell me about today's weather weather matlab jo hamesha change hote rehta hai har second har minute ya fir har ghante change ho sakta hai weather changes continuously ठीक है नेक्स्ट वर्ड इज वेस्ट इस वेस्ट का मतलब है बेकार यानी कि बर्बाद करना वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम दैट वेस्ट इज दिस स्पेलिंग इज डब्ल्यू एस टी ई वेस्ट यानी कि बेकार दिस वेस्ट का मतलब होता है कमर स्पेलिंग इज डब्ल्यू ए आई एस टी बोथ प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स अनदर वेस्ट इज वी नो दिस इज डायरेक्शन डब्ल्यू एस टी दैट इज पश्चिम दिशा ओके North, East, South, West, you know, that is West. West means Pashchim Disha. Our next word is dear. Dear means priya, pyare, okay? Oh my dear, okay? Next is dare. Dare means himmat. How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम लोग पढ़ चुके हैं इस dare का use. Have you studied or not? Yes, sir. Okay. Next word is cheek. Cheek means gal. Cheek means gal. And other cheek is chick. This cheek meaning is मुर्गी का बच्चा जो होता है ना मुर्गी का बच्चा उस चीक का मतलब होता है मुर्गी का बच्चा एंड फर्स्ट चीक इज स्पेलिंग इज सी एच डबल ई के ओके ऑलवेज रिमेम्बर दिस सी एच डबल ई के मीन्स गाल एंड सी एच आई सी के मीन्स मुर्गी का बच्चा ओके नेक्स्ट वर्ड इज रिच ओके रिच मीन्स पहुंचना आर ई ए सी एच रिच मीन्स पहुंचना एंड अदर आर आई सी एच दैट इज रिच रिच यानी कि अमीर ओके ही इज वेरी रिच वो बहुत अमीर है And I am reaching at my home. मैं अपने घर पहुंच रहा हूं Is it clear? Next word is warm. Warm मतलब गर्म हम लोग सब जानते हैं It is very warm. Okay? And other word is worm. Worm. Worm मतलब क्या होता है कीड़ा जिसके जिसको मारने के लिए हम लोग वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं ना वर्मी कंपोस्ट यानी कि एक कीड़े मारने की दवाई होती है ठीक है उसी से बनाया वो वर्म वर्म यानी कि कीड़ा एंड वर्म यानी कि गर्म ओके थ्री ओके सो वी स्टडीड अबाउट बोथ दिस वर्म दिस वर्म इज गम एंड दिस वर्म इज कीड़ा ओके नेक्स्ट वर्ड इज लेटर दिस लेटर मीन्स एवरीबडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लेटर पत्र ओके एल ई डबल टी ई आर आई एम राइटिंग अ लेटर मैं एक पत्र लिख रहा हूँ बट दिस लेटर इज एल ए टी ई आर लेटर यानी कि बाद में ओके एग्जैक्टली आई एम बिजी राइट नाउ सो आई विल कॉल यू लेटर हम लोग ऐसा कहते हैं ना उस लेटर का मतलब होता है बाद में मैं अभी बिजी हूँ व्यस्त हूँ मैं तुमको बाद में कॉल करूंगा ओके सो दैट लेटर इज बाद में एंड दिस एल ए डबल टी ई आर यानी कि बाद वाला जैसे हम लोग कोई कहते हैं ना लेटेस्ट यानी कि कोई भी चीज आया है ये बाद वाला है उसके बाद में आया है कोई भी चीज सो दैट इज एल ए डबल टी ई आर ओके नेक्स्ट इज एल ए डी लेट यानी कि देर वाई आर यू लेट तुम इतने देर क्यों हो ठीक है वाई आर यू शो लेट तुम इतने देर क्यों हो सो दैट लेट इज देर
एंड नेक्स्ट इज LATELY लेटली यानी कि हाल ही वाला अभी अभी जो आया है लेटेस्ट इसी से बना है ठीक है लेटेस्ट है ये लेटेस्ट है इज इट क्लियर ये हाल ही में एंड दिस इज द लास्ट विच वन दिस वन लेटली ओके लेटली यानी कि जैसे तुम जींस लेने जाते हो ना जींस वगैरह सपोज किसी शॉप में तुम जींस खरीदने गए तो वो बोलेगा कि भैया ये एकदम लेटेस्ट है ठीक है ये लेटली है लेटली भी कहेगा उसका मतलब यही है कि हाल ही में आया है ये न्यू है इज इट क्लियर न्यू फैशन है सो लेटली का मतलब वो होगा हाल ही वाला इज इट क्लियर नेक्स्ट इज लास्ट वर्ड दिस इज फॉर टुडे फिस्ट फिस्ट का मतलब क्या होता है मुट्ठी ओके आई हैव 5 rupees इन माय फिस्ट मेरी मुट्ठी में 5 रुपए है तो हम लोग उस फिस्ट का मतलब क्या होता है मुट्ठी FIST नेक्स्ट वर्ड इज FEAST फिस्ट का मतलब होता है दावत दावत यानी कि अक्सर बुलाया जाता है ना खाने के लिए ठीक है डिनर वगैरह पे दावत पे आज दावत पे बुलाए हैं हमारे पापा ने किसी को तो ऐसे कहेंगे फिस्ट का मतलब होता है दावत